नमस्कार, आप देख रहे हैं एएफटी न्यूज़। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। नगरपालिका बाजार सिद्धार्थनगर के जेल रोड अवस्थित बुद्धा पार्क में स्टेप अप डांस क्लब के नेतृत्व में चलाए जा रहे समर कैंप का नगरपालिका अध्यक्ष श्याम बिहारी जयसवाल यूं सदर विधायक श्याम धनी राही ने दूसरे दिन सत्र का औपचारिक उद्घाटन किया। श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि समर कैंप हमारे बस्ती मंडल का पहला समर कैंप होगा और नौगढ़ तेतरी जैसे छोटे मध्यवर्गीय नगर में बच्चों के मनोरंजन के लिए गर्मी की छुट्टियों में एक नई पहल संचालित करने वाले युवा चेहरे मेराज एवं उनकी टीम को ढेर सारी बधाइयां। श्याम धनी राही ने बताया, पहली बार कोई चेयरमैन ऐसा हुआ है जिसने 40 साल में चार चार बाल मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया। आज से 25 साल पहले बुद्धा पार्क में रंगत थी जब वन विभाग इसको संचालित कर रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे से यह पार्क गुमनामी में चला गया था। मुझे खुशी है कि चेयरमैन श्याम बिहारी ने अथक प्रयास करते हुए यहां पर बच्चों के झूले का पर्याप्त प्रबंध किया। साथ ही यहां पर नगरपालिका के द्वारा ओपन जिम भी लगाया जाना है जिससे युवा योगा करने के साथ साथ कसरत भी कर सकेंगे। श्याम बिहारी ने बताया कि यहां पर महिलाओं के लिए प्रसाधन वाटर कूलर आदि की सुविधा जल्द ही मिल जाएगी। इस समर कैंप में बच्चों के लिए डांस, जुब्बा डांस, पेंटिंग, कैरम, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, होपला लेमन रेस आदि नवाचार खेल थे। और मैं बेसिकली यहाँ पे आई हूँ लखनऊ से बस घूमने के लिए, बट यहाँ जो एनवायरनमेंट मिला है स्टेप अप डांस क्लास की तरफ से वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ मतलब लोगों को एक फील्ड मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, और मैं यहाँ के माहौल से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ के प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ। नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम, इसके बारे में क्या बताएं? ये उनका एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिससे कि जो बच्चे पूर्ण रूप से समाज के सामने नहीं आ पा रहे उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि वो आगे आ रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे वो नृत्य क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में। पार्क का माहौल कैसा लगा? पार्क बहुत ही अच्छा है, यहाँ का जो सौंदर्यकरण हुआ है वो एक नंबर है, मतलब कह सकते हैं कि हाँ अब हमारा सिद्धार्थनगर डेवलप कर रहा है। क्या अगले समर कैंप में आप आना चाहोगे? बिल्कुल, और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। सर, मेरा नाम तो मिराज अहमद है और ये समर कैंप का आयोजन है जी। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चों का ननिहाल यहाँ पे है और इसको बहुत पिछड़े जिले में जाना था जिससे लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, और जो आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, मैं क्यों आऊँ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जिसके लिए मैं इस समर कैंप को ऑर्गेनाइज किया हूँ। और समर वेकेशन, ये ऐसा वेकेशन है कि बहुत सारे लोग घर बैठ के बोर होते हैं, तो ये उनके लिए है कि वो अपने बोरियत को ख़त्म करें। समर कैंप से क्या मतलब आप संदेश देना चाह रहे हैं? सर, मैं इस समर कैंप से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे का जो स्टडी टाइम हो स्टडी करें, लेकिन जो उनका वेकेशन टाइम हो वेकेशन में इंजॉय करें, उसमें कोई टेंशन ना लें, हर चीज़ के बारे में वो जाने। इसमें नगरपालिका द्वारा क्या आपको सहयोग मिला? सर, नगरपालिका का सहयोग तो बहुत रहा, उसके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं आपके भीमचंद ज्वेलर्स सर, जिनको मैंने ये कॉल किया वो ये भी नहीं पूछे क्या उन्होंने किया, होटल शुभम पैराडाइज, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है। हमारे MM हॉस्पिटल सर तो एक ही जबान पे सभी ने स्पॉन्सर्स किया, हमारे SK ट्रेडर्स और हमारे टिमटॉम स्कूल्स, ये सब ये ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट से ये हो पाया है। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो शहर सिद्धार्थनगर है वो वास्तव में शहर नहीं था, और लगभग जिस पार्क में अभी आप मौजूद हैं 25 साल ये वीराना था, शहर में कोई पार्क नहीं था, कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। तो चेयरमैन श्याम बिहारी जयसवाल जी ने एक मुहिम चलाकर इस प्रकार से बाहर से, नोएडा से, गाजियाबाद से ओपन जिम और झूले मंगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है समर कैंप चलाया जा रहा है 2022, ये एक प्रकार से शहर की निशानी है। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मेट्रो सिटी में ये सब चीज़ें होती थी, अभी नौगढ़ जैसे छोटे से कस्बे में समर कैंप चलाना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है, प्राउडली फील है, क्योंकि अभी तक आप कपिल वस्तु महोत्सव देखते थे और आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखते थे, वो बड़े सरकारी महकमे के स्तर पर थे, नगर पालिका के स्तर पर स्पेशली बच्चों के लिए कुछ अलग, ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों का टैलेंट है, बच्चों के लिए है, बच्चों के द्वारा है, और
ये कुल मिलाकर फुल्ली इंजॉय है चिल्लर पार्टी के लिए, बच्चा पार्टी के लिए। अगला समर कैंप का आयोजन, अगला समर कैंप से पहले विंटर कैंप होगा। मैं चाहूंगा यंगस्टर्स आगे आए सिद्धार्थ नगर के, और जो हमारा कल्चर है, जो बुद्धा की तहजीब है, और योगा है, डांस है, म्यूजिक है, इससे करीब हो, इंटरेक्शन हो, और सीनियर्स के साथ, बच्चों के साथ, दादा दादी, नाना नानी, अपने पोते नातियों के साथ आए, और एक धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। हम लोग फुल्ली सपोर्ट करेंगे यंगस्टर्स को कि वो आए, इस तरह के कैंपेनिंग करें, इस तरह के प्रोग्राम्स करें, और अपना शहर मेट्रो सिटी की तरह शहर बन सके, समझ रहे ना, दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद बनाने की मुहिम है ये शहर सिद्धार्थ नगर की। सिद्धार्थ नगर द्वारा आयोजित, क्योंकि इस समय बच्चों का विद्यालय बंद चल रहा है और वो बच्चे सब घर पे रह रहे हैं, उन बच्चों के निमित्त उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें अभिभावक और बच्चे सभी लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और कुछ ऐसे प्रतिभागी बच्चे जो मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को आए हुए लोगों के बीच में प्रदर्शित करने का काम किए, बच्चों में उनके खेल के तमाम ऐसे सामग्री और अभिभावकों के लिए बैठने की व्यवस्था और उनकी भागीदारी सुनिश्चित जो किए हैं सभी लोगों का, इस बुद्धा पार्क में आए हुए सभी आगंतुकों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि नगर पालिका माने श्याम बिहारी जायसवाल जी जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, सारा व्यवस्था का उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम बड़े कुशलता से, और बच्चे बहुत प्रफुल्लित हैं क्योंकि उनके मन लायक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच का जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छोटे बच्चे भी मंचों पर चढ़ रहे हैं, ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जो है शुभकामना माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी नगर अध्यक्ष को देना चाहते हैं, और उनके सुपुत्र डॉक्टर शक्ति जायसवाल जी को जो ऐसा व्यवस्था करके बच्चों में एक उत्साह लाने का काम किए हैं। आज का ये कार्यक्रम उन्हें बच्चों के नाम श्याम ऐसे बच्चों के लिए है।